अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बीबीसी उर्दू टीवी यूके के साथ मैं हूँ फिज़ा आसिफ और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलमान रियाज साहब जो कि सीईओ है मोहम्मद तुफैल एंड सन्स के। आए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि मौजूदा वक्त में जो टैक्सेस हैं उससे मुल्क की मैशियत को क्या फ़ायदा पहुँचेगा। जी वालेकुम सलाम। जी मौजूदा हुकूमत में जो इस टाइम टैक्स के जो मामला चल रहे हैं वो तो काफ़ी गंभीर है। जिस तरह के आप देखा जाए जो पुरानी हुकूमत थी नवाज शरीफ की उसमें टैक्सेस के हवाले से काफ़ी छूट दी गई थी। जब इनकी जारी थी हुकूमत इन्होंने कहा था जी जो भी आपके असासेज हैं वो शो करवाएं, हम आपको ये नहीं है कि डराएंगे कि आपने इस तरह करना है, आपको बंद कर देंगे। जिस तरह ये हुकूमत ने कहा है कि अगर आप 30 जून से पहले पहले अपने असासेज शो नहीं कराएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ने करवा लिया हुआ है। लेकिन इस दौर में इन्होंने इस तरह कहा है जी अपने असासे शो करवाएं नहीं तो आपको 6 माह कैद और 6 माह कैद और आपको अलग से जुर्माना भी होगा और आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी जब्त कर ली जाएंगी। इस तरह तो हर कोई भी डर जाएगा वो तो। और अपनी जो जिस तरह पहले पिछली हुकूमत में था कि कारोबार माशाल्लाह किस तरह लोगों के चलते थे, अब वो हर दुकान देख रही है वो बिल्कुल खाली होकर बैठी हुई है, बल मुश्किल से अपने किराए पूरे कर रहे हैं। तो टैक्सेस के हवाले से टैक्स तो हर बंदा पे करेगा क्योंकि ऑलरेडी जो भी चीज़ बंदा परचेज करता है टैक्स दे के परचेज करता है। लेकिन मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि टैक्सेस से इनको थोड़ी रियायत करनी चाहिए टैक्सेस पे। जिस तरह अब इन्होंने कहा है जी 4% के ऊपर दिया इन्होंने, लेकिन अभी भी वो लोग उस तरह अपने सासे शो नहीं करवा रहे। मेरा तो ख्याल है कि सासे से शो करवाएं क्योंकि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाइट तो करें। लेकिन जो इनकी जिस तरह पुरानी हुकूमत में कारोबार चल रहे थे उस तरह कारोबार तो नहीं चल रहे, बहुत मतलब के रुके हुए हैं। और हर बंदा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचता है कि मैं करूं, अगर करूंगा तो इनकी नज़र में आ जाऊंगा तो ये मुझसे उसके ऊपर पूछ करेंगे तो मैं कैसे हूँ। आपको पता है एक दफ़ा जवाब देना तो ठीक है, अब वही पुरानी बातों के ऊपर दोबारा जवाब देना तो वो उस पर बंदा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। डॉलर का रेट देखा जाए तो डॉलर जो है ये इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा न्यूज़ सबसे ज़्यादा पर तो इसी हुकूमत में लगे हैं डॉलर को। पेट्रोल को भी गरीब आवाम पेट्रोल और ये डॉलर रेट बढ़ने से तो जाहिर सी बात है हमारा जो कर्ज़ा है वो भी बढ़ेगा, उसने तो बढ़ना ही बढ़ना है, कर्जा भी हमारा बढ़ेगा। तो डॉलर रेट तो ये तो कम होना चाहिए जी, ये तो इस तरह तो नहीं है। जिसने इम्पोर्ट करवानी है उसने तो बेचारे ने करवानी है, वो इम्पोर्ट करवाएगा डॉलर रेट ज़्यादा होगा तो वो फिर रेट बढ़ जाएगा तो जो गरीब आवाम होगी वो तो ख़रीद नहीं सकेगी। ये तो सारे डॉलर रेट बढ़ने से गरीब आवाम को ही फ़र्क पड़ेगा, अमीर तो जो होंगे वो तो बेचारे फिर भी कुछ ना कुछ करके अपना कर लेंगे। फिर देखा जाए जी अब दूसरे मुल्क में जाकर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको कोई वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आएगा। पाकिस्तान में ये है प्रॉफिट करने का मतलब ये है कि अब वो अपना यहाँ पे करते हैं तो वो बेचारे पकड़े जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनको कोई वो यहाँ से किसी और मुल्क जाना वो कहते हैं जी मोस्ट वेलकम आप आए हमारे यहाँ पे काम करें, वो तो बहुत खुश होते हैं इस काम से। तो यहाँ पे तो काम करते हैं तो वो साथ में इनको टैक्सेस अलग से आ जाते हैं, बिजली के बिल आपको लोड शेडिंग आपको पता ही है माशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान में किस तरह चल रही है। ठीक है ये तो सारे डॉलर रेट बढ़ने से गरीब आवाम को ही फर्क पड़ेगा, अमीर तो जो होंगे वो तो बेचारे फिर भी कुछ ना कुछ करके अपना कर लेंगे। हमारे सरमायाकार ना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में जाके इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्यों करते हैं, क्या वजह है? देखा जाए जी अब दूसरे मुल्क में जाकर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको कोई वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आएगा। पाकिस्तान में ये है प्रॉफिट करने का मतलब ये है कि अब वो अपना यहाँ पे करते हैं तो वो बेचारे
पकड़े जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनको कोई वो यहाँ से किसी और मुल्क जाना, वो कहते हैं जी मोस्ट वेलकम, आप आए हमारे यहाँ पे काम करें, वो तो बहुत खुश होते हैं इस काम से। तो यहाँ पे तो काम करते हैं तो वो साथ में इनको टैक्सेस अलग से आ जाते हैं, बिजली के बिल, आपको लोड शेडिंग आपको पता ही है माशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान में किस तरह चल रही है। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये थे मोहम्मद सलमान रिया साहब जो कि अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे कैमरा मैन टीम के साथ।